सब्सक्राइब कीजिए केडी केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स, और आज मैं क्वांटम नंबर्स का न्यूमेरिकल करवाऊँगा। कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखने दिए थे और आप लोगों ने कोई कॉमेंट बॉक्स में नहीं लिखे, थैंक यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लीजिए नोटबुक में लिखना, क्वांटम नंबर्स न्यूमेरिकल्स करवाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ, तो जो कि हम अभी आपको लिखवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑर्बिटल में किसी सबसेल में अगर ऑर्बिटल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 2l+1। एल की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 बता रखा ना। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल, ये आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिटल कितना आएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर बात की जाए सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल तो फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 2 × 2l+1, यस 2 × 2l+1। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, यस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे स्टूडेंट्स, ये तो आपको आता ही है, कर लोगे, ठीक है। और अगर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो ये भी आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2n2। पहले ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल स्टूडेंट फॉर्मूला होगा n2, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट ये दोनों ही, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, इन ए सेल बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n2, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर ऑफ सेल, क्लियर। चलिए तो ये फॉर्मूला फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाने वाला हूँ। एक फॉर्मूला स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम है होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो कैसे होता है लिख लीजिए भी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सिंपल इसको एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं, एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका l × l+1 का स्क्वायर रूट h/2π। h/2π को ऐसे भी लिख देते हैं कई बुक्स वाले, l × l+1 का स्क्वायर रूट और h बार, ठीक है। वेयर h बार इज इक्वल टू h/2π, तो ये फटाक से लिख लीजिए भाई, कर लिया राइट डाउन। चलिए तो अब हम स्टार्ट करवाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आपका स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, Fe3+, CO3+, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको PDF फाइल में इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स Fe2+ की बात अगर की जाए तो मैं आपको तरीके सिखाता हूँ। पहले आयरन का एटॉमिक नंबर याद करो कितना है भाई, 26। अब आपको क्या करना स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। तो क्या करना सर,
आपको करना स्टूडेंट पहले 26 का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s। अब 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, पहले s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिखा लिखा केवल बाद में जाएगा, कल बताया था मैंने। तो फिर 2 and 6। अब ये वाला हुआ Fe का, Fe2 पॉजिटिव का नहीं हुआ, ये किसका हुआ, Fe का। अब 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिसकी n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सुन रहे हो, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, वहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो यहाँ पर n 1, 2, 2, 3, 3, 3, किस कहाँ ज़्यादा स्टूडेंट, 4 में। तो ये 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दो, मीन्स ये वाली कॉन्फिगरेशन मानी जाएगी। 4s को लिखो तो 4s 0 करके लिखो, अदरवाइज इसको रहने दो, ठीक है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं सर, कॉन्फिगरेशन हो गई। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे देखे जाएंगे स्टूडेंट, ये डी वाला ऑर्बिटल पकड़ लो आप ऐसे, ठीक है सर। अब 5 बॉक्स बनाओ, ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब स्टूडेंट ये वाला तो पेयर हो गया, देखो ये तो पेयर बन गया, अनपेयर मीन्स जिसमें ये पेयरिंग नहीं हो। तो 1, 2, 3, 4, तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, इजी है, ठीक। नेक्स्ट है Fe3 पॉजिटिव। इसमें क्या करेंगे भाई, वही पहले सर जी Fe का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 3 पॉजिटिव को भूल जाओ और Fe का कॉन्फिगरेशन लिख डालो। तो क्या आएगा, 1s2, 26 होता है ना एडिटिव नंबर, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s लिख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन s में, अब ये 18, तो 20 बच गए, 6, 26। बट अब की बार 3 पॉजिटिव है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 4 की, बट यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 2 ही है, तो 2 तो निकाल लो, बच गए वो एक यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ बच गए 5, यहाँ हो गए 0। समझ में आया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ऐसे डी में 5 बॉक्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। पी में 3 बॉक्स बनते हैं, डी में 5 बॉक्स बनते हैं और एफ में 7 बॉक्स बनते हैं। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भर दो स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4 and 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। आ गए बेटे, चलिए अब हम करवाते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। ये मैंने आपको इसलिए करवा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स नीट PMT IIT में पूछे गए हैं और हैं सिंपल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, अगर आप रेगुलर बेटे लेक्चर देखते हो आप मेरे, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको कोई दूसरी बुक वगैरह पढ़ने जरूरत नहीं है, केवल ये पढ़ो। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वहाँ से, कुछ न्यूमेरिकल ले सकते हो, कुछ क्वेश्चंस ले सकते हो, बट कॉन्सेप्ट अगर आपने यहाँ से सीखा तो वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, वो तुम करते नहीं हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, आपकी मर्जी है बेटे, मेरा काम पढ़ाना है। आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं पूछते हो तो अब मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, अब मुझे क्या पता कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं बच्चा पढ़ रहा है, बस कॉपी की फ़ोटो खींच के भेज देते हो तुम, तो ये सफिशेंट तो नहीं है। अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इतना हम स्पीच नहीं देंगे आपको। तो क्वांटम नंबर की मैंने बात बताई आपको, अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे ये आ गया कि कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर फॉर 3d 6 ऑर्बिटल। 3d 6 के लिए सभी क्वांटम वैल्यू बताओ। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, n होता है, l होता है, m होता है, s होता है। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मीन एजुमिथल क्वांटम नंबर, m मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s मीन स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये सारे वैल्यू इसके लिए बतानी है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम n के वैल्यू देखेंगे। n तो ये वाला होता है साइड में जो लगा होता है, 2, 3, 4 जो भी, n इज इक्वल टू क्या होगा, 3, ठीक है सर। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी,
एल्किन, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, टू। क्यों सर? क्योंकि मैंने एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए एल के वैल्यू लिखवा रखे भाई, ये देखिए आज फिर बता दी मैंने, ठीक है। तो एल के लिए, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, टू। अब रही बात एम की, तो एम ऐसे लिख लेंगे, एम इज, एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पे, जो एल होगा वही एम होगा माइनस से लेके प्लस तक, मीन्स टू है ना, तो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस वन के स्टूडेंट्स समझ गए, ओके। नेक्स्ट है एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, ये कैसे निकाला जाता है बेटे, देखिए जो डी ऑर्बिटल है तो डी में पांच बॉक्स बनते हैं, मैंने आपको बताया था, पांच बॉक्स बना लिए, पांच बॉक्स बना लो, अब सिक्स इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, फिर बच गए वो पेयर करना स्टार्ट कर देंगे सिक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया भी था, आज फिर बता देता हूं कि इसका मतलब होता है प्लस वन बाई टू, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट माइनस वन बाई टू। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू कैंसिल, अब प्लस वन बाई टू, फिर ये प्लस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू, बेटा कितना आ गया, टू आ गया सर, प्लस हाफ प्लस हाफ वन, प्लस हाफ प्लस हाफ वन, तो टू वैल्यू आ गया। तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना स्टूडेंट, प्लस टू, बट ये प्लस टू आप कैसे लिखोगे, प्लस टू और माइनस टू ऐसे करके लिखोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकते थे ना, तो प्लस टू और माइनस टू, इज दैट क्लियर। चलिए ये क्वांटम वैल्यू आपको आ गई है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए अब की बार ये पूछ लिया स्टूडेंट कि 4F9 में सभी क्वांटम वैल्यू बताओ, तो क्या करें स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू फोर, एल इज इक्वल टू, एफ के लिए वैल्यू कितनी होती है थ्री, एम इज इक्वल टू, एम की वैल्यू डिपेंड करेगी एल पे, क्या करेंगे हम, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री, ठीक है ना। और एस की वैल्यू सर, एफ के अंदर सेवन बॉक्स बनते हैं बेटा, सेवन बॉक्स बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नाइन इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्लस हाफ, इसका मतलब क्या होता है माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, अब ये काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव, मीन्स प्लस फाइव बाई टू और माइनस फाइव बाई टू, समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल है बेटे क्वांटम नंबर्स के, चलिए मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लिख देता हूँ, उससे पहले एक थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाना चाहूँगा, क्या वो देखिए, मान लीजिए यूँ कह दिया जाए स्टूडेंट कि व्हेन एल इज इक्वल एन प्लस या एल प्लस एन इज इक्वल टू कितना एट, ठीक है, फोर जेड इज इक्वल टू सिक्सटीन, देन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जेड इज इक्वल टू सिक्सटीन है, कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी फोर, कॉन्फिगरेशन हो गया सिक्सटीन का। अब हम देखेंगे एन प्लस एल एट किस में बन रहा है, यहाँ पर एन की वैल्यू वन, एल की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस वन वन, नहीं बना, यहाँ टू बनता नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, ठीक है, और यहाँ भी थ्री प्लस नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा बेटा जीरो। अगर यही ऐसे आ जाता कि एन प्लस एल की वैल्यू, अगर मान लीजिए कह दिया जाता कि एन प्लस एल की वैल्यू थ्री है, एन प्लस एल इज इक्वल टू कितना है थ्री, देन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या करते स्टूडेंट, यहाँ एन वन एल जीरो, वन आया टू आया, यहाँ पर देखिए पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है, एन की वैल्यू टू होती है, तो यहाँ पर एन प्लस एल कितना बन रहा है स्टूडेंट, थ्री बन रहा है, यहाँ भी एन की वैल्यू थ्री है, एल की वैल्यू जीरो है, तो एन प्लस एल इज इक्वल कितना बन रहा है स्टूडेंट, जीरो, यहाँ नहीं बन रहा। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सिक्स टू
इनके इलेक्ट्रॉन्स तो 8 है ना, तो हैंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया बेटे? नहीं आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस एंगुलर मोमेंटम के करवा देता हूँ स्टूडेंट, जो मैंने लिखवाया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए ऐसे आ जाए कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एंगुलर क्वांटम नंबर अलग होता है, एंगुलर मोमेंटम अलग होता है। एंगुलर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल से। क्लियर? कैपिटल एल इक्वल टू होता है एल इंटू एल प्लस वन का स्क्वायर रूट एच बाई टू पाई। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम किस में? इन 4s, 4p, 4f ऑर्बिटल। ठीक है सर, पहले 4s को निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने को तो 4s में कुछ चाहिए नहीं, केवल l की वैल्यू देखनी है। तो s के लिए स्टूडेंट वो 4 हो चाहे 5 हो, को मतलब नहीं है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा आप बता दो। 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है 0 आया। अब 4p के लिए स्टूडेंट, ये तो 4s के लिए था, 4p के लिए, p के लिए l की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, तो यहाँ 1 प्लस 1 2 रूट 2 डिवाइड बाई h बाई 2 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट 2 h बार। क्लियर? अब बात आई 4f की, तो 4f में स्टूडेंट्स क्या होगा? f के में l की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर पुट किया आपने 3 प्लस 1 3 1 4 3 जा 12, तो रूट 12 एच बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के फिर से बता दीजिए आया नहीं आया। और अभी मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ।